नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। नागपुर के सावनेर में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप, रेलवे हद को लेकर रेलवे पुलिस ने पल्ला झाड़ा। खबर महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर रेलवे स्टेशन के फेंसिंग के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हितज्योति फाउंडेशन के हितेश बंसोड को रेलवे स्टेशन के फेंसिंग के पास अज्ञात युवक का शव पड़ा होने की जानकारी प्राप्त होते ही उक्त जानकारी सावनेर पुलिस तथा सावनेर रेलवे स्टेशन मास्टर मीना जीआरपी के पीएसआई सुरेंद्र सातवे को दी, जिसके तहत सावनेर थानेदार रविंद्र मानकर अपने दलबल के साथ घटनास्थल रवाना हुए। घटनास्थल का मुआवजा करने पर उक्त शव सावनेर रेलवे स्टेशन के करीब फेंसिंग के करीब तथा रेलवे के पंप हाउस के बीच पड़ा पाया गया, जिससे रेलवे अधिकारी उक्त हद को अपने हद में न आने का व सावनेर पुलिस स्टेशन की हद होने के बहाना कर पल्ला झाने लगे, जिससे कुछ देर तनाव का वातावरण निर्मित हो गया। अंततः सावनेर थानेदार रविंद्र मानकर, एसआई राजेंद्र यादव, हितज्योति के हितेश बंसोड व सहयोगियों की मदद से घटनास्थल का पंचनामा कर उक्त अज्ञात शव को प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर लाकर उचित जाँच कर मेडिकल हॉस्पिटल नागपुर रवाना किया। मृतक युवक की उम्र करीब 35 वर्ष के लगभग, ऊंचाई करीब 5 फुट 6 इंच, रंग गेहुआ तथा नीले रंग की जींस व काले रंग की पूरे अस्तीन गोल गले का टी शर्ट पहने हैं। उक्त युवक को अगर कोई पहचानता है वो तुरंत सावनेर पुलिस स्टेशन संपर्क कर जानकारी दे, ऐसी विनती थानेदार रविंद्र मानकर ने की है। हद को लेकर सस्पेंस बरकरार। स्थानिक निवासी तथा प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सावनेर रेलवे स्टेशन के करीब की फेंसिंग के बगल तथा पंप हाउस व पुराने रेलवे क्वार्टरों के परिसर में पाए गए उक्त युवक के शव की घटना को देखते ही रेलवे पुलिस अपने हद में नहीं होने का रोना रोने लगी, जिससे कुछ देर असमंजस का वातावरण निर्माण होने लगा, जिस पर कर्तव्य दक्ष थानेदार रविंद्र मानकर ने समय सुचिकता का परिचय देकर उक्त शव का पंचनामा कर प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर रवाना किया। वही उक्त हद किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, इसकी जांच होनी जरूरी होने की चर्चा के साथ रेलवे पुलिस कम से कम मानवता के नाते तो भी थोड़ा सहयोग कर ही सकती थी। सावनेर संवाददाता मुकेश छरबड़े की रिपोर्ट।